A grand good morning to all the students and all my dear friends. मैं एम एस अली एंड यू आर वॉचिंग मेरे कलोनी क्लासेस. आज मैं ले आया हूँ आपके लिए फिल लाइक का दूसरा प्रयोग. आपने कल का जो प्रयोग पढ़ा था फिल लाइक का, वो अफर्मेटिव प्रयोग था, और आज का जो प्रयोग आप पढ़ने वाले हो वो नेगेटिव होगा. कल वाले जो अफर्मेटिव प्रयोग थे उसकी हिंदी क्रियाएँ थी, फिल लाइक की हिंदी क्रियाएँ जो थी वो थी मन करता है या मन कर रहा है, दिल करता है या दिल कर रहा है, इच्छा होती है या इच्छा हो रही है. लेकिन आज आप इन सबों में नहीं पाने वाले हो, यानी हर सेंटेंस में आपको नहीं दिखाई देंगे और वो वाक्य नेगेटिव होंगे, जैसे कि दिल नहीं कर रहा है या दिल नहीं करता है, इच्छा नहीं हो रही है या इच्छा नहीं होती है, मन नहीं कर रहा है या मन नहीं करता है. ठीक ऐसे ही सेंटेंसेस आप आज की वीडियो में देखने वाले हो और ट्रांसलेट करने वाले हो. सो इस वीडियो को एंड तक देखना और अपनी डे टू डे लाइफ में बोले जाने वाले सेंटेंसेस को क्लियर करना. तो यहाँ पर फिर से मैंने दो कैटेगरी में सेंटेंसेज दे रखे हैं, और ये तीन सेंटेंसेज नेगेटिव के हैं, फिर से तीन सेंटेंसेज नेगेटिव के हैं. यानी जो नेगेटिव सेंटेंसेज है ना, उनमें तीन हिंदी क्रियाएं हैं. मैं कल आपको बताया था कि फिल लाइक की तीन हिंदी क्रियाएं होती है ना. तो ये तीनों हिंदी क्रियाओं को लेकर के तीन सेंटेंस मैंने दिए यहाँ पर, और फिर से तीनों हिंदी क्रियाओं को लेकर के मैंने तीन सेंटेंसेज दिए. एक जो रूप है वो कॉन्टिन्यूअस का रूप है, लेकिन फिर भी वो प्रेजेंट में ही बनेगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा. और दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्म है, जो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा ही. चलो पहले सेंटेंसेस को मैं पढ़ कर आपको सुनाता हूँ. मुझे खाने की इच्छा नहीं हो रही है, या फिर मुझे खाने की इच्छा नहीं होती है. ओके, बात एक ही है. मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है, या फिर मेरा खाने का मन नहीं करता है. तीसरा सेंटेंस है कि मेरा खाने का दिल नहीं कर रहा है, या फिर मेरा खाने का दिल नहीं करता है. जब भी ऐसे सेंटेंस आपको नहीं के साथ मिलेंगे ना, तो आपको लगाना होगा फिल लाइक से पहले डोंट या डजंट, यानी डू नॉट या डज नॉट आपको लगाना होगा. तो डू नॉट कब करोगे और डज नॉट कब करोगे, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ. यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ही, शी, इट, सिंगुलर नेम एंड सिंगुलर नाउन, लेकिन यहाँ आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा. पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ही, शी, इट, सिंगुलर नेम और सिंगुलर नाउन जब आपके सब्जेक्ट के रूप में रहेंगे ना, तो आप डज नॉट का इस्तेमाल करोगे. ये दिख नहीं रहा है, मान के चलो. यहाँ पर मैं आपको लिख करके बता देता हूँ. आप डज नॉट का इस्तेमाल करोगे, और इसको चाहते हो कि हम शॉर्ट में यूज़ करते हैं तो आप डजंट का इस्तेमाल करोगे. लेकिन एक बात याद रहे, डज नॉट और डजंट आते ही जो फिल में एस जो लगते थे ना पहले ही शीट के साथ, वो एस हट जाएंगे. कैसे, देखते हैं सेंटेंस को. मुझे या मेरा, ये जो है ना मुझे या मेरा, इसके लिए हमने आई लिख दिया, ठीक है. और फिर नहीं है ना, हो रही है या नहीं होती है. फिर नहीं कर रहा है या नहीं करता है. फिर नहीं कर रहा है या फिर नहीं करता है. ये जितने भी वर्ड्स को मैंने रेखांकित किए, अंडरलाइन किए और मैंने घेरा लगाया, इन सब के लिए आप इस्तेमाल करने वाले हो डोंट फील लाइक. आप इस्तेमाल करने वाले हो डोंट फील लाइक. अब बचता क्या है, खाने है ना, खाने. तो खाने की इंग्लिश आप क्या करोगे, इट से आप ईटिंग कर दोगे. तो फिर पूछोगे कि ये सब कहाँ गए, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये सब ही उन्हीं सेंटेंसेस में जुड़ जाएंगे. यानी मेरे कहने का मतलब है कि इच्छा नहीं हो रही है या नहीं होती है, का मन नहीं कर रहा है या नहीं करता है, फिर का दिल नहीं कर रहा है या नहीं करता है. यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए आपको बस डोंट या डू नॉट के साथ आपको बस फील लाइक का इस्तेमाल कर देना है. ओके, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर आई के साथ डोंट फील लाइक किया, और फिर खाने के लिए हमने ईटिंग कर दिया. चलो कुछ और सेंटेंस लेते हैं. उसे जाने का मन नहीं कर रहा है. ही डजंट फील लाइक गोइंग. हम लोगों को खेलने का मन नहीं कर रहा है. वी डोंट फील लाइक प्लेइंग, है ना. आपको रहने का मन नहीं कर रहा है. यू डोंट फील लाइक लिविंग. इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेज आप बना सकते हो. चलो दूसरे वाले को देखते हैं. उसे जाने की इच्छा नहीं होती है या नहीं हो रही है. उसे जाने का मन नहीं करता है या नहीं कर रहा है. उसे जाने का दिल नहीं करता है या नहीं कर रहा है. तो इसमें आप डज नॉट फील लाइक का इस्तेमाल करके बनाने वाले हो. लेकिन बाई मिस्टेक यहाँ से मेरे से है ना फील, मतलब यहाँ पर फील मेरे से छूट गया है, जो मैं अभी आपको बता देना चाहूँगा, है ना. यहाँ पर फील होना चाहिए था. डोंट वरी, मैं आपको समझा दूंगा, क्लियर हो जाएगा वो. ओके, तो इन तीनों सेंटेंसेज में फिर से आपको नहीं आए हुए हैं. अब क्या करना है, उसे, उसे की इंग्लिश आपने ही लिख दिया. चलो ठीक है, आपने लिख दिया ही. अब बात करते हैं कि इच्छा नहीं होती है या नहीं हो रही है, का मन नहीं करता है या नहीं कर रहा है, फिर का दिल नहीं करता है या नहीं कर रहा है. यहाँ तक,
यहां से लेकर के यहां तक के लिए आप डज नॉट फील लाइक इतना लगाओगे। अब डज नॉट फील लाइक क्यों लगा रहे हो आप? क्योंकि मैं बता चुका हूं कि ही शी इट सिंगुलर नेम और सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट आता है, है ना, इसलिए आप डज नॉट लगा करके तब फील लाइक का इस्तेमाल कर दोगे। ओके, अगर आप चाहते हो, है ना, आप चाहते हो कि इसको हम शॉर्ट बना देते हैं, तो आप डज नॉट को डजंट कर देते, ठीक है, डज नॉट को डजंट कर देते, उसके बाद फील लाइक तो करोगे ही, उसके बाद जो जाने आने खाने पीने रोने हंसने वाले जो वर्ड्स हैं उसको आप ing में कर दोगे, तो जाने के लिए गोइंग गोइंग हो जाया करता है। यहाँ पर इसका मैं शॉर्ट नहीं बता पाया था आपको, यहाँ पर है ना डू नॉट, है ना, ये फुल फॉर्म के रूप में नहीं रहता है, ये फुल फॉर्म के रूप में रहता है, इसको आप डोंट कर सकते हो, यानी इसको आप DONT को डोंट बना सकते हो डू नॉट के बदले में, और यहाँ डज नॉट के बदले में आप डजेंट कर सकते हो। ओके, यहाँ फिल अलग से मैं लगा दिया हूँ, आपको समझ में तो आ ही गया होगा, अगर नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इस पर कोई दूसरी वीडियो आपको बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे टू ऑल।